दोस्तों क्या आप जानते हो कि एक जानवर ऐसा है जो कि किसी भी जंगल में बड़े आसानी से बड़े बड़े बांध बना सकता है, और एक ऐसा है जिसका घर हमारे घरों जैसा आलीशान होता है। तो हेलो नमस्कार, वेलकम वांटेड वीडियोस के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो कि पैदाइशी आर्किटेक्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 8, कैथेड्रल टर्माइट्स। दोस्तों जैसे हम हमारे शरीर से कहीं ज़्यादा गुना ज़्यादा लंबी लंबी इमारतों का निर्माण करने में समर्थ है ना, उसी प्रकार ये छोटे छोटे कीड़े भी मिट्टी की ऊंची ऊंची इमारतों में रहा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन कीड़ों की प्रजाति का नाम है कैथेड्रल टर्माइट्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दोस्तों ये कीड़े इतने सटीक निर्माणकर्ता होते हैं कि ये 8-8 मीटर ऊंची इमारतों का भी निर्माण कर सकते हैं। ऐसे बस देखने की ही नहीं, बल्कि ये कीड़े उनके अंदर हजारों कमरे भी बनाते हैं, जिसमें इनका घर जमीन के बाहर जितना दिखाई पड़ता है ना, उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा और विस्तृत जमीन के भीतर होता है। वही नहीं, ये टर्माइट्स अपने घरों के नीचे सिम्बायोटिक फंगस की भी खेती करते हैं, जिसमें वे पहले उसे बड़ा करते हैं और फिर खा जाते हैं। और एक खास बात ये है कि इनके झुंड में ना तो कोई राजा होता है और ना ही कोई रानी, ये सभी कलेक्टिवली इतने कामकाजी होते हैं। नंबर 7, डार्विन्स बार्क स्पाइडर। दोस्तों डार्विन्स बार्क स्पाइडर दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे बड़े वेब बुनने वाले स्पाइडर्स की प्रजाति होती है। दोस्तों आपको बता दूं, स्पाइडर वेब बनाना कोई आसान काम नहीं होता, खासकर उस छोटे से स्पाइडर के लिए जो खुद के शरीर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा वेब बनाता है। पर क्या आप जानते हो कि एक स्पाइडर की स्पीशी ऐसी होती है जो कि लगभग 25 मीटर तक फैले हुए जाले को बुन सकता है, और ये जाले एक वक्त में लगभग 25-30 कीड़ों को उसमें फंसाने के योग्य होते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, इसका जाल हमारे घरों की मकड़ियों के जितना नाजुक नहीं होता है, बल्कि इन जालों में एक छोटी मोटी चिड़िया तक फंसकर इस मकड़ी का भोजन बन सकती है। दोस्तों यही नहीं, ये स्पाइडर एक नदी के इस ओर से उस छोर तक भी अपना जाल बुन सकता है, जो कि एक खुद में बहुत बड़ी बात होती है। नंबर 6, होकियाडो एंट कॉलोनी। दोस्तों चींटियों के छोटे छोटे पहाड़ों को तो आप लोगों ने अपने स्कूलों के ग्राउंड में बहुत बार देखा होगा, पर क्या आप जानते हो कि होकियाडो एंट नाम की एक प्रजाति ऐसी है जिसका हिल लगभग 12 फीट तक ऊंचा हो सकता है। ऊंचाई ही नहीं, बल्कि इन चींटियों का पूरा एक नेटवर्क है जिसमें उस पूरे एरिया में इनके लगभग 45,000 नेस्ट हैं। जी हाँ, ऐसे 45,000 बड़े बड़े पहाड़ जिनके अंदर इनका पूरा घर बसा हुआ है। इतना ही नहीं, इनके ये सारे घर अंदर ही अंदर टनल्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस पूरे सिस्टम में लगभग 10 लाख रानी चींटियाँ और तकरीबन 3 करोड़ इनके सिपाही चींटियाँ रहती हैं, और इनके सारे घर सारे टनल्स और सारे नेटवर्क्स इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं ना कि हम और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कहीं भी अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो वो कुछ ही घंटों में फिक्स कर दी जाती है ना दोस्तों, कमाल की चीज। नंबर 5, सोशिएबल वीवर बर्ड्स। दोस्तों ये जो अभी आप अपने सामने देख रहे हो, आपको ये क्या चीज दिख रही है? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये पेड़ों में होने वाली कोई बीमारी है, पर नहीं दोस्त, ये सोशिएबल वीवर बर्ड नाम के पक्षियों की प्रजाति का एक घोंसला है। जी हाँ, ये घोंसला दोस्तों कई बार इतना बड़ा तक हो जाता है ना कि ये पेड़ की डालों को और गीला होने पर पेड़ को तक गिरा देता है। अब ये किसी एक चिड़िया का घर नहीं, बल्कि बहुत सारी चिड़ियों का एक अपार्टमेंट जैसा है, जिसमें इन सभी के एक एक फ्लैट जैसे घर हैं, जहां ये सभी रहती हैं, प्रजनन करती हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। दरअसल ये जहां रहती हैं वहां बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है,
तो इस तरह का घोंसला इन्हें ठंड में गर्म रखता है और गर्मी में ठंडा। साथ ही इतनी इंटेलिजेंट होती हैं कि ये अपने घोंसले ऐसी डालों पर बनाती हैं जहां तक चढ़ पाना बहुत कठिन होता है, जिसमें कोई भी प्रेडिएटर इन तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। पर ये जो भी है, इन नन्हे पक्षियों के द्वारा बनाई गई एक मास्टरपीस है। नंबर 4, द वॉगल कॉप बॉवर बर्ड। दोस्तों, अपने घरों को काफी सुंदर चीजों से सजाना किसको नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है। पर क्या आप जानते हो कि कुछ पक्षियों को भी अपने घोंसलों को सजाना बहुत पसंद होता है? हाँ जी, काफी अजीब है ना, पर सच है। दोस्तों, ये है वॉगल कॉप बॉवर बर्ड। ये चिड़िया जमीन पर अपने घोंसलों को बनाती है और फिर उन्हें इतने अच्छे तरीके से सजाया करती है ना कि क्या ही बोला जाए। आप सामने ही देख रहे होंगे कि ये अपना काम कितनी बखूबी से करती है। अगर इस काम की वजह से हम इन्हें परफेक्ट एक्सटीरियर डिजाइनर कहें तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, ये चिड़िया रंग बिरंगे फूलों से, फलों से अपने घर के आसपास की सारी जगह रंग देती है। अब ऐसा ये इस वजह से करती है ताकि जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो इसके घोंसले को गलती से कुचल ना दें। और एक वजह ये भी है कि मेल फीमेल्स को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा घोंसला सजाते हैं। और अब वजह जो भी हो, पर काम एकदम लाजवाब है। नंबर 3, वीवर बर्ड। दोस्तों, वीवर बर्ड को आज कौन नहीं जानता। ये पक्षी बुनाई करने में इतने प्रोफेशनल होते हैं ना कि इनकी होड़ आजकल के बड़े बड़े वीविंग के कारीगर से भी नहीं की जा सकती। अब देखने पर तो भले ही ये घोंसले आपको आम लगे, पर आपको बता दूं कि इन्हें बना पाना बिल्कुल भी आम बात नहीं होती, खासकर किसी पक्षी के लिए जिसके पास ये काम करने के लिए एक चोंच बस होती हो। अब ये पक्षी इस काम को करने में इतने माहिर होते हैं कि इनके घोंसले का जो होल होता है उसका रेडियस तक एकदम परफेक्ट होता है। जहां हमसे बिना राउंडर के एक गोला नहीं बन पाता, वहीं ये पक्षी इतनी अद्भुत रचना को जब जन्म देते हैं तो ये बन जाते हैं आर्किटेक्ट, एक ऐसे कुशल कारीगर जिन्हें ना तो कभी सिखाया जाता है और ना ही पढ़ाया। नंबर 2, द कैडिस फ्लाई। दोस्तों, मेटामॉर्फोसिस कितनी अद्भुत प्रक्रिया है, उसे किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं। कैसे एक कीड़ा खुद को कुकून में बदल लेता है, वो दृश्य ही अद्भुत होता है। पर क्या आप जानते हो कि एक कीड़ा ऐसा है जो कि अपना कुकून सिल्क से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ये है कैडिस फ्लाई नाम की एक कीड़ों की प्रजाति, जो कि कुकून बनाने की प्रक्रिया को एक अलग ही लेवल पर ले जा चुकी है। दरअसल दोस्तों, ये लार्वे पानी के भीतर पाए जाते हैं, जिसमें हर कोई चीज आसानी से टिक नहीं पाती। तो ये लार्वे कंकड़ों को अपनी टेप जैसी काम करने वाली लार से जोड़ जोड़ कर अपने लिए कुकून जैसा घर बना लेते हैं, जो कि उन्हें पानी के बहाव से सेफ तो रखता ही है, साथ ही प्रेडिएटर्स जैसे मछली और सांप भी इन्हें पत्थर समझकर नहीं खाते। दोस्तों, ये इंसेक्ट इसे अपना चलता फिरता घर बनाकर रखता है। तो ऐसा कीड़ा देखकर आपको काफी अजीब जरूर लग रहा होगा, पर ये हमारी प्रकृति की कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनकी रचनाओं की वजह से आज ये वीडियो संभव हो पाई है। काफी अमेजिंग है ना। नंबर 1, बीवर। दोस्तों, अब इस जानवर को अगर बदमाश बोला जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये काम ही ऐसा करता है जो कि आगे चलकर बहुत दिक्कतों की वजह बनता है। भाई साहब, ये इत्तू सा बिल्ली के बच्चे बराबर दिखने वाला जानवर बड़े बड़े बांध बना देता है। हाँ, सही सुना आपने, ये बदमाश निचले इलाकों में पहले कमजोर पेड़ों को गिराने की कोशिश करता है, उसके बाद उन गिरे हुए पेड़ों को पानी के बीच रख कर पहले उस बहाव को रोकता है और फिर हर उस जगह को कवर करता है जहां से और पानी का लीकेज हो रहा होता है। और ऐसे कर करके कुछ महीनों में ये तैयार कर देता है एक खुद का अपना प्राइवेट डैम। अब उस डैम के इन्हें कई फायदे मिलते हैं। सबसे पहले ये उसमें बढ़िया छुपकर रहते हैं, जिसमें जो प्रेडिएटर्स होते हैं वो इन तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद उन बांध के पानी में कई तरह की मछलियां भी पलने लग जाती हैं, जिसमें हर रोज रोज ये फिश करी का आनंद लेते हैं। मतलब अगर ये बांध बना लें तो इनकी पूरी लाइफ सेट है,
पर बारिश में कई बार इनके बांध टूट जाते हैं, जो कि अचानक से कई बार छोटी मोटी बाढ़ भी ले आती है। बता दूं, ये जानवर अमेरिका में ही पाया जाता है और बाकी कहीं नहीं मिलता। तो कैसी लगी वीडियो, पसंद आई ना? हाँ जी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।